हेलो डियर नर्सिंग स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? हाई हो, अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2020 डेट और एप्लीकेशन फॉर्म, एलिजिबिलिटी एवं एडमिशन प्रोसेस इसकी क्या क्या है, तो वीडियो एंड तक देखें। तो माय नेम इज किशन कुमार और आप देख रहे हैं कृष्णा एटावा यूट्यूब चैनल। इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है रेड बटन को दबाकर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक तुरंत पहुँचे। आप लोगों को पता होना, आश्चर्यचकित होना कि अगर आप यूपी से हो या आप अदर स्टेट से हो, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो यूपी स्टेट एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम कराती है। अगर आपको पता नहीं है, अगर आप पता है तो आपको बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। तो यूपी एक बीएससी नर्सिंग स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम करवाती है, जो कि हर साल करवाती है। इसमें आपको कैंडिडेट कैन फाइंड ऑल द इंफॉर्मेशन रिलीज टू यूपी बीएससी नर्सिंग 2020 चेक आउट डिटेल ऑफ द यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम एंड एलिजिबिलिटी इम्पोर्टेंट डेट्स एंड एप्लीकेशन प्रोसेस टू सिलेक्शन हेयर। मतलब हम आपको आज आपको सारी इंफॉर्मेशन इसमें देंगे। इसमें आपको, आप लोगों का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर इसमें आपको जैसे आप के जी एम यू में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग में लेना चाहते हैं या फिर सहारा कॉलेज ऑफ नर्सिंग में लेना चाहते हैं या फिर समर्पण कॉलेज ऑफ नर्सिंग या फिर डॉक्टर आंचल सिंह यादव इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग या फिर इन कॉलेजों में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको इस जो कि यूपी बीएससी नर्सिंग जो हमने आपको अभी बताया था, यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करके इसकी फिर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपको चाहते हैं, जैसे आपको हम बताएं कि आपको क्या क्या कॉलेज में आपको इसके ज़रिए आपको एडमिशन मिलेगा, जैसे आपको के जी एम यू बीएससी नर्सिंग में आपको एडमिशन मिलेगा, के जी एम यू हो गया और विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग हो गया और सहारा कॉलेज ऑफ नर्सिंग हो गया और समर्पण कॉलेज ऑफ नर्सिंग हो गया, जिसमें टोटल आपको सीटें इस प्रकार आप लोग दिख रही होंगी स्क्रीन पर। ये गवर्नमेंट कॉलेज जो के जी एम यू है, बाकी सब प्राइवेट कॉलेज हैं। अगर आप प्राइवेट में इंटरेस्टेड हो तो आप प्राइवेट, टोटल आपको यूपी में यूपी बी एस सी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि यूपी स्टेट का होता है, उसमें टोटल 380 सीटें हैं, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों स्कूल मौजूद हैं। और जो बी सी एम कॉलेज ऑफ नर्सिंग खैराबाद में उपस्थित है, जिसमें ये प्राइवेट कॉलेज है, तो इसके थ्रू आपको जो उत्तर प्रदेश बी एस सी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको इस कॉलेज में, आपको ये कॉलेज हम आपको दिखा रहे हैं, इन कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें प्रॉपर आपकी 17 साल से एज कम नहीं होनी चाहिए। इसमें आपको बी एस सी नर्सिंग के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में टोटल 50% मार्क्स आपके अनिवार्य हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हों। अगर आपके और कंपलसरी आपको इंग्लिश में 50% मार्क्स 100% अवेलेबल हैं। इसमें आपको कुछ आपको छूट भी दी गई है, जिसमें 5% आपको डिस्ट्रीब्यूटिविटी एवं कोटा, डिस्ट्रीब्यूटी कोटा जो कोटा नहीं होता है उसमें आपको दी है, और एस सी एस टी 5% कैंडिडेट को दी है, जो कि गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट के तहत आपको मौजूद है, जो कि आपको पता भी होगा। तो बीएससी नर्सिंग ये कि कुछ एग्ज़ाम ये हर साल यही अगस्त और सितंबर में ये निकलते हैं फॉरम, ये नीट के बाद निकलते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर डेट नहीं आई है तो नीट एग्ज़ाम के बाद इसका एक डेट आएगी, क्योंकि नीट से पहले एग्ज़ाम इसका संभव नहीं है। नीट एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है जो कि एमबीबीएस लेवल से होता है, तो बीएससी नर्सिंग ये एक छोटा कोर्स होता है, तो आप लोगों को अंदाज लगाना चाहिए। तो नीट से पहले ये एग्ज़ाम संभव नहीं है, सिर्फ एक बीएससी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जो कि बीएससी नर्सिंग सबसे पहले करवा रही है। तो इसकी डेट और आपको हम आपको बता देंगे कब इसके क्वेश्चन आएंगे। तो इसके टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं। टोटल इसके क्वेश्चन 200 क्वेश्चन एमसीक्यू के से आते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, हमारा कहना सिर्फ यही है। क्योंकि आप लोगों को जो कोई भी कुछ भी बोले कि ये नहीं कर सकते, आप लोग बस पढ़ाई पर लगन रखे रहिए और मेरा सपोर्ट आपके साथ है। मैं आपका इस 2020 में आपका बीएससी नर्सिंग या फिर आप जो भी कोर्स चाहते हैं आपका, उस कोर्स में आपका एडमिशन पूरी कोशिश कर दूंगा आपको लाने की। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल पर हमेशा बने रहें। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं ये कॉलेज भी उपलब्ध हैं, क्योंकि हमारा स्टोरेज है वो फुल हो रहा है, इसलिए वीडियो हमें यहाँ पर ही बंद करनी पड़ेगी। तो कोई भी क्वेश्चन आपका रह गया हो, जैसे हमने वीडियो में नहीं बता पाया हो, तो वीडियो को आपको लास्ट में कमेंट करके पूछना है, या फिर वो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, या फिर हमारे हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करके हमें सीधा डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं व्हाट्सअप पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।